हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने एक अवसर हमें दिया है कि हम आगरा मसीह मंडली पेज में होकर के उसके परमेश्वर की महिमा करें और उसकी स्तुति करें। ये बात सत्य है कि आज का समय बहुत खो गया, परंतु ये बात सत्य भी है कि मैं प्रभु के लिए अपने समय को निकाल सका और उसकी संगति में संगति में बना हूँ। और यह अवसर है कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ अपने कर्मचारी भाइयों को छोड़ के पुनः अपने वापस बिलासपुर आऊँ, तो यह अवसर मिला है कि मैं संगति करूँ। तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे को कदम को बढ़ाता हूँ और आज के वचन में सीधे हम वचन में जाते हैं, क्योंकि वचन हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन आगे प्रभु के संग सदा बना रहता है। प्रियो, जो आप सभी मेरे साथी हैं और इस वचन में सदा बने रहते हैं, मैं आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि निरंतर आप सब भी इस पेज में बने हैं और मुझे भी एक अवसर मिलता है आज शनिवार को, तो मैं भी इस पेज में बना रहता हूँ। और ये बना रहना ही हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मेरे चेले होने चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। अपने आप का इनकार करना अर्थात जो रोकने वाली बातें हैं और जो रोकने वाली वस्तुएं हैं, संसार की रुकावटें और मन को भाने वाली इन वस्तुओं को हमें क्या करना, त्यागना है और प्रभु के संगति में आगे बढ़ना है। और हम प्रभु के संगति में जब आगे बढ़ेंगे, जब हम क्या करेंगे, अपना क्रूस को उठाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बोलते हैं, यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आए और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लूका उसका नाम उसके 23 पद में कहते हैं, परंतु हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मतलब प्रभु यीशु मसीह, हम इस प्रत्येक लोग के अर्थ ये है कि मैं यदि देखा जाऊं तो मैं अपने जन्म से तो क्रिश्चियन हूं, परंतु मैं अपने आदि माता पिता को देखता हूं तो वो सब क्या थे, अन्य जाति थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसके पीछे अपना क्रूस उठा के हो लिए। और आज ये अति अवसर, सुंदर अवसर है कि मैं भी अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता हूं। और उसके पीछे कौन हो लेगा, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होगा वही, क्योंकि प्रभु पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए अनंत जीवन। और वही हम आगे पढ़ते पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 23 पद में, हम उस मसीह का प्रचार करते हैं जो क्रूस पे चढ़ाया गया और यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो जो विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, और जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है बस सत्य है कि वो अपना क्रूस उठाए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। परंतु एक बात सामने आता है कि आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हम अपने जीवन में एक बात आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें क्या देता है मालूम है, अपना विश्राम, अपनी आशीष को हमको वह प्रदान करता है। जब हम अपना क्रूस उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वह हमको और आपको विश्राम देता है, वो सच्चा विश्राम जो मनुष्य नहीं देता, वो सच्चा विश्राम जो संसार नहीं देता, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे का क्या करता है, शोषण करता है, एक दूसरे का उपयोग करता है और एक दूसरे का साथ देता है।
और ठीक उसी प्रकार से यह संसार अपनी आवश्यकता के अनुरूप आपको अपने पास रखता है और आपको त्याग देता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे क्यों कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले? वह इसलिए कहता है क्योंकि वह हमें सच्चा विश्राम प्रदान करता है। आप और मैं जानते हैं परमेश्वर का वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 28 पद में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम अर्थात आप और मैं जो सुबह की भोर से उठ करके नित्य अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, बोझ से दबे होते हैं और अपनी दिनचर्या में मशगूल रहते हैं, और रात में जब हम लौटते हैं तो फिर हम ज्यों का त्यों हो जाते हैं और हम अपनी आत्मिक उन्नति आत्मिक दृष्टिकोण के विषय में कुछ विचार नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको एक अवसर देते हैं और कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हाँ, जब हम अपना क्रूस को उठाते हैं तब हमें वो शांति विश्राम वो असीम शांति खुदावंद देता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझको ये सुअवसर प्रदान किया कि हम क्रूस को उठाएं और उसके पीछे हो। एक बार हमने वचन को पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और उसका 23 और उसके क्या कहते हैं लूका 9 और उसके 24 पद को हमने पढ़ा। उसमें लिखा है कि वह सबको अपने चेले ही नहीं किंतु उन सबको कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो अपना क्रूस उठा करके अपने आप का इनकार करे वो मेरे पीछे हो ले। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो आपको और मुझको अनंत जीवन प्रदान करना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि क्रूस को उठा करके मेरे पीछे आओ। जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य तो हमें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, हमें आजाद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो हम अपने क्रूस को उठाएं। यही वो क्रूस है जिस क्रूस पे आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर बलिदान हो गया था। तो परमेश्वर को यही भाया क्योंकि आपके और मेरे बनाए हुए मार्ग आपके और मेरे बनाए हुए रास्ते हमेशा रोड़ा ही रहे, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार से अपना काम करता है और उसके जीवन में बहुत से अनगिनत तीर हैं जो पाप से भरे हैं। आवश्यकता के अनुसार वो निकाल कर क्या करता, अपना इस्तेमाल करता और खामोश और शांत हो जाता। लेकिन यही जो बातें हैं हमें क्या करती है, खुदावन की ओर जाने नहीं देती और अनंत जीवन को हमें नहीं मिलता। आज आप जानते हैं मनुष्य अनंत जीवन, मनुष्य उद्धार, मनुष्य मोक्ष पाने के लिए अपने शरीर को चीरता है, अपने आप को तकलीफ देता है, नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पे जाता है, जमीन की खाई और गहराइयों को नापता है। क्यों? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। परंतु सच्चा मोक्ष मनुष्य के सामने है, लेकिन वो उन चीजों को ध्यान नहीं देता क्योंकि वो सोचता है कि परिश्रम करने से ही हमेशा प्राप्त हो जाएगा। जी नहीं, परिश्रम से नहीं, विश्वास करने के द्वारा होता है। इसलिए यदि हम विश्वास करते हैं और अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो अनंत जीवन आपका और मेरा। और आज मालूम है प्रियो, अनंत जीवन के लोग हर एक मार्ग से होकर के गुजरते हैं। कुछ लोग दान का भी काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कैसे दान पुण्य करते हैं? वो बहुत से अपराध किए होते हैं और दान पुण्य करके वो सोचते हैं कि हम अनंत जीवन को पा लेंगे। परंतु अधर्म की कमाई से कोई भी सही मार्ग में नहीं जा सकता, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो। वही आदमी अनंत जीवन को
प्राप्त करेगा जो सत्य मार्ग पर चलेगा, जिसका जीवन पवित्र होगा, जो अपने आप को सोचता है कि मैं छोटा हूँ और मैं नीचे ही रहूं, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रियो, इस छोटे से वचन के द्वारा हम ऐसे सीखते हैं कि खुदावन आपको और मुझको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बचाता है कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को परखें, क्योंकि समय निकट है, वो दिन दूर नहीं जब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट। और बाइबल कहती हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक जीव अंगीकार करेगी। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आएगा तो हाहाकार और कोलाहल मचेगा, और बहुत से लोग बोलेंगे हमें तो यीशु मसीह का वचन सुनाया नहीं गया, बहुत से लोग बोलेंगे हम तो प्रभु यीशु मसीह जानते नहीं, बहुत से लोग बोलेंगे हम तो उनको तकलीफ दिए, हमने उन मसीह लोगों को मारा, कूटा, जेल में डाल दिया। वो सब पैरवी करने का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रियो, आज आपको और मुझको इस जीवन में यह अवसर मिलता है कि हम अपना क्रूस उठाएं और प्रभु के पीछे हो लें। क्रूस इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों को लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को रोज प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस छोटे से शब्दों में, छोटे से समय में। समय तो है परंतु परिस्थिति मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और चारों तरफ का शोरगुल है। इसलिए हम यहीं पे इसको विराम देते हैं और प्रार्थना करके इस प्रार्थना सभा को खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में अवसर दिया कि हम अपने इस समय को, कुछ पल को, इस थोड़े से समय को आपके लिए निर्वाह कर सकें, ताकि हम अपने आप को झांक सकें कि दिनचर्या में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन जब हम उस प्रभु के पास आते हैं जिसने हमें जीवन दिया, तब हम अपने आप को जांचने पाते हैं कि हमारे दिन भर के काम धर्म के नहीं थे परंतु पाप में और मैले चितड़ों के समान थे। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने क्रूस को उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, ताकि हम जान सकें कि आज का प्रतिफल हमें क्या मिला। हम इन सारी बातों में आप खुदावन आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय।